मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन आज फिर से अपने मैजिक चार्ट के साथ आप सबके सामने। मैजिक चार्ट लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक हमने दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ क्लिक करिए और उसे डिटेल में देखिए। डिटेल में क्या देखना है, मैंने उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भरनी फिल करनी बताई है और ये बताया है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ अभी भी कर देती हूँ कि ये चार्ट जो होता है ये फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हम कर सकते हैं, इसीलिए इसे मैजिकल चार्ट बोला जाता है। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमारा एक न्यूमरोस्कोप होता है, जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारा बर्थ चार्ट होता है ऐसे ही होता है। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जो कि आप आसानी से आपके पास होती है, सभी के पास होती है, किसी के पास शायद ही हो कि उसको ये ना पता हो कि वो कब पैदा हुआ था। ठीक है, तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और आगे हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ लिखी हुई है, आपको दिख रही होगी साइट के अंदर। हम आप जाइए ना, नहीं वीडियो छोड़ के आधी, हम इसकी प्रेडिक्शन भी करेंगे। मैं आपको प्रेडिक्शन करके ये भी समझाऊंगी कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। हमने बना लिया, हमने सब कुछ कर लिया, भाई इसको यूज़ भी तो करना है हमने। हम अपनी प्रेडिक्शन कैसे देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ तो देख ही सकते हैं। तो इसलिए इस चार्ट के लिए लिंक दे रखा है, पिछली वीडियो ज़रूर देखें तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब देखिए आप, हमने चार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ, ऊपर चार्ट में नंबर क्या है, 492। मेरी नंबरोलॉजी की वीडियो है जिसमें मैंने नंबरों को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी लिंक के अंदर हमने दे रखी है, उन्हें भी जाके देखिए। तो आपको इन नंबरों का स्वामी, इनका व्यक्तित्व, ये सब चीज़ें समझ में आएगी। बाकी हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से, क्योंकि इन नंबरों के स्वामी कौन है, क्या है, ये कैसे काम करते हैं। पहले अभी अब एक मोटा मोटा मैं आपको एनालिसिस दे रही हूँ। अगर आपकी पहले वाली ग्रिड फर्स्ट ग्रिड कंप्लीट हो तो ये हमें क्या दिखाती है, माइंड, इंसान का माइंड दिखाती है। माइंड क्या है, हमारा ऊपर का हिस्सा, माइंड सर। ठीक है, तो ये हमारी माइंड दिखाती है 492 कि इंसान के अंदर कैसा माइंड है, वो कैसे काम करता है, क्या वो दिमाग का इस्तेमाल करता है। अगर यहाँ पर नंबर आपके कम हैं या है ही नहीं तो कैसे काम करेगा वो, तो ये सब चीज़ें हम इस वाली ग्रिड से देखेंगे, फर्स्ट ग्रिड से, माइंड से। सेकंड 357 ये हो गया हमारा इमोशनल, क्या व्यक्ति इमोशनल है नहीं है, तो वो हमें यहाँ से पता चलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, पर लेकिन अभी हमने इसको नाम दिया है इमोशनल। इसका नाम, ये नाम भी हमारे फिक्स होते हैं, इनके यही नाम होते हैं इन ग्रिड्स के। 816 प्रैक्टिकल, 8 नंबर तो आपको पता ही है ना किसका है, शनिदेव का। 1 नंबर सूर्य का, 6 नंबर शुक्रदेव का। प्रैक्टिकल तो होना ही है, अगर आपकी ये ग्रिड कंप्लीट है, ये वाली ग्रिड, तो व्यक्ति क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। हम बाद में इनको पूरा खुल के इनको एनालिस करेंगे हम इनको, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि आप कर क्या रहे हैं, आपके कैसे कैसे प्लैनेट भरे जाएंगे। अब हमने ऐसे ऐसे तो देख लिया है, अब हम ऐसे करके देखेंगे। जैसे 348 ये वाले जो नंबर हैं, इसकी जो ग्रिड है वो थॉट ग्रिड कहलाती है। ऐसे बंदों के अंदर आइडियाज़, जो नए नए क्रिएशन करते हैं, नए नए स्टार्टअप करते हैं, नए नए फैक्ट्रीज लगाते हैं, या नया कुछ भी खोज करते हैं, थॉट होनी बहुत ज़रूरी है व्यक्ति, तो वो हमारी थॉट्स दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है 951, अब मैं ऐसे ले रही हूँ, तो इसमें क्या आता है आपका, विल, विल कैसी है इंसान की,
क्या वो एक काम को करने में सक्षम है, क्या वो एक चीज़, अगर वो पढ़ाई में लगा हुआ है क्या वो उसको कंप्लीट करेगा। अगर कोई व्यक्ति है वो यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी दे रहा है, उसकी विल पावर स्ट्रांग ही नहीं होगी, वो अच्छे से मेहनत ही नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान एक तरफ नहीं होगा, तो कैसे करेंगे। तो ये विल पावर होनी हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारी ग्रिड के अंदर। नेक्स्ट आता है एक्शन 276, एक्शन। जिस व्यक्ति के अंदर ये नंबर्स आएंगे, जिसकी ग्रिड के अंदर ये नंबर आएंगे, वो व्यक्ति एक्शन करने में एक्सपर्ट होगा। एक्शन मतलब कि तुरंत काम को करना, इमिजिएटली कुछ काम हुआ चलो ट्राई करते हैं। कई व्यक्तियों में होती है ना, कुछ काम आया या कुछ काम करना हुआ तुरंत ट्राई करना, तो उसको हम एक्शन, तुरंत घूमने जाना है तुरंत, काम करना है कुछ तुरंत, तो एक्शन। एक्शन होना भी हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। लेजीनेस होगी, किसी काम को करने में हम डिले करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे उस चीज़ को, तो शायद काम ही बिगड़ जाएगा। तो इसलिए एक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैंने ये, अब आप मेरे ख्याल से शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, और भी हम आगे आगे एक्सप्लेन करते हुए आपको चलेंगे कि हम इससे और क्या क्या चीज़ देख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, इसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ को 28 जो है उसको मैंने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप, और ये फुल डेट को भी सिंगल डिजिट में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बहुत अच्छे से अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसको फिल करेंगे, फिर भी मैं आपको एक बारी दोबारे से बता देती हूँ कि हम कैसे फिल करेंगे। नंबर टू है, टू की जगह एट है, एट की। जो नंबर जहाँ है उसको वहीं भरना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को। सिक्स है, सिक्स की जगह वन है, वन। नाइन है, नाइन। फाइव है, फाइव। फिर से वन है, वन। अब हम क्या करेंगे, अब हम मूल्यांकन निकालेंगे। टू एट, टू एट टेन, टेन का सिंगल नंबर क्या बन गया, वन। तो वन, उसके बाद पूरी हमने डेट ऑफ बर्थ का टोटल करा तो क्या आया, थर्टी टू। थर्टी टू को भी हम टू, थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव। अब हमारी ये ग्रिड बन के रेडी हो गई है। अब हम इसकी क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे। अब हम, आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमारे थ्री बॉक्स खाली हैं, वन टू थ्री। तो कौन सा नंबर नहीं है हमारे पास, फोर, थ्री और सेवन नंबर हमारे पास नहीं है, ठीक है। और ये नंबर हमारे को बहुत सारी चीज़ें भी, जैसे हमारा कुंडली के अंदर होता है, हमें भाव में से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ऐसी नंबरों से पर्टिकुलर हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जो मैं आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी फ़िलहाल हम इन्हीं के बेस पे, ये जो मैंने आपको ग्रिड बताई हैं, इन्हीं के बेस पे प्रिडिक्शन करेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इन्हीं के बेस पे थोड़ी सी प्रिडिक्शन हम इस व्यक्ति की करेंगे। नाइन टू, फर्स्ट ग्रिड में हमारे पास दो नंबर है, तो यानी कि बंदे के पास दिमाग तो था, दिमाग है इसके पास, और इसने, हमें पता है इसने, बंदे ने काम भी बहुत करे, इनका टाइम नहीं था हमारे पास, लेकिन इनको प्रॉब्लम क्या थी, इनके काम टिकते नहीं थे, सक्सेसफुल नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे वो हम देखते हैं। दिमाग है बंदे के पास, बट फोर नंबर मिसिंग है। फोर नंबर मिसिंग का मैं आपको आगे बताऊँगी, तो आप मेरी आगे की पूरी सीरीज देखिए, आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा। दिमाग हो गया बंदे के पास, फाइव नंबर आ गया,
फाइव नंबर डबल डिजिट में आ गया। फाइव नंबर क्या करता है, ये सब नंबर्स का हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको एक इन्हीं के बेस पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर रही हूँ। तो इमोशनल बहुत था वो व्यक्ति, हर एक किसी के प्रति। वो दूसरों की भी बहुत हेल्प करता था, दूसरों के साथ भी बहुत ज़्यादा घुलता मिलता था। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल में उसके सारे नंबर हैं, आप देख रहे हैं ना, सारे नंबर हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, सिर्फ अपनी सोचनी, सिर्फ अपने लिए जीना, सिर्फ अपने लिए करना। दूसरों की भी सोचता था, परिवार उसका एक तरह से सेकेंडरी आता था, फर्स्ट वो अपने लिए सोचता था, अपनी अय्याशी पूरी। और वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ का नशा करना, हर जगह जाना, जुआ खेलना, सब कुछ करते थे वो। उन्होंने हमें बताया भी कि मैं सब कुछ करता हूँ, तो वो अपना पहले सोचते थे। तो ये हो गया प्रैक्टिकल, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। थॉट्स, थॉट्स में सिर्फ एट नंबर है, शनिदेव का नंबर। तो थॉट्स उनके कुछ ज़्यादा नहीं अच्छे थे। मेहनत इतनी थी, बहुत ही ज़्यादा थी। थॉट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे उनको, मतलब बहुत अच्छे स्किल पे काम करना या बहुत अच्छा माइंड था। माइंड दूसरे चीज़ों में यूज़ करते थे वो, हेरा फेरी करना, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे उन्होंने पैसा कमाया। बट लेकिन एक काम की स्टेबिलिटी के लिए थॉट्स जो होते हैं, कैसे वेल मैनेज तरीके से काम करना है, इस चीज़ की उनके अंदर कमी दिखी। फिर आता है आपका विल प्लेन आता है आपका, ये आपका देख रहे हैं आपनी बीच वाला बॉक्स उनका पूरा फिल है। तो बंदे के इतना उनका स्टैमिना था कि सुबेरे 4 बजे भी उठ के उन्होंने दुकानें खोली हैं अपनी। काम चेंज करते रहते थे ना, कभी किराने का, कभी हार्डवेयर का, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। तो 4 विल पावर इतनी थी, इतनी धुन थी अपने काम को करने की, इतनी ज़्यादा विल पावर स्ट्रांग थी कि वो 5 बजे भी उठ के उन्होंने, वो कहते थे मैं 5 बजे भी उठ के दुकान पे चला जाता हूँ, पर मेरी दुकान नहीं चलती। वो उसके अलग रीज़न है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो विल पावर बंदे की बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ही स्ट्रांग। बीमारी से बड़ी बीमारी से उन्होंने रिकवर करा है, बड़ी से बड़ी बीमारी से। तो विल पावर का हमारा प्रूफ हो गया। 5 नंबर डबल है यहाँ पर, डबल नंबर की हम आगे चर्चा करेंगे। बट मैं आपको एक चीज़ मोटी मोटी तौर पे बता दूँ कि 5 नंबर हमारा सेंटर का नंबर होता है। तो इससे हम घर भी देखते हैं, अपना घर ना होने के बावजूद भी कभी भी बंदा छोटे मकान में रहा ही नहीं। ये होते हैं आपके ग्रह, और ये देखते हैं हम अपने ग्रहों से, ये होती है कुंडली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्शन। एक्शन में एक नंबर मिसिंग है, तो एक्शन भी इनका बहुत अच्छा रहा। काम किसी ने बोला फटाफट कर लिया, लेकिन करके, क्योंकि नंबर मिसिंग है, करके फिर उसके अंदर लेजीनेस इन द सेंस, कैसे कि दुकान पे तो बैठे हैं बट लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, बस जाके टाइम पास हो रहा है यारी दोस्ती में, क्योंकि 6 नंबर आ गया ना शुक्र का। मैंने बोला ना, पिछली वीडियो मेरी देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके देखिए तो आपको 6 नंबर की फितरत समझ में आएगी कि ये हमारे साथ क्या क्या करता है। आपको मुझे लगता है कि शायद थोड़ा एक्सप्लेन करने से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पहला बॉक्स हमारा माइंड का है, दूसरा इमोशनल, तीसरा प्रैक्टिकल। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये थॉट्स का आ गया हमारा, ये विल का आ गया, और ये एक्शन का आ गया। तो ये हमें प्रेडिक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं। आगे हम इस चार्ट को ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, और प्रेडिक्शन के साथ मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम एक एक चीज़ करके लेंगे तभी आपको समझ में आएगा, एकदम से तो समझ में नहीं आएगा। इसको पहले याद कीजिए, अपनी कॉपी पे अपनी जन्मपत्री बनाइए, और धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।